Hello everyone watching this video, I am Naveen. So today again we are going to learn some more common sentences in this video which are very helpful and which are very important as well for us. So let's begin. The first sentence is ek se bhale do, two heads are better than one. Jab koi akela hai to hum sochte hain chalo do ho jaye to aur acha rahega, to aise english mein bolte hain two heads are better than one. एक और एक 11 होते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो वन एंड वन मेक टू, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एक और एक 11. यहाँ कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उससे यूनिटी बनती है ना, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप आगे जाएँ तो भी प्रॉब्लम है, पीछे जाएँ तो भी प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन को आप इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआ पीछे खाई. बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, मीन्स कोई पास में ही चीज़ है और लोग उसे बाहर ढूंढने लगे हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुकिंग फॉर अ थिंग व्हेन इट इज इन द माउथ, कोई मुंह में लगी हुई है और ढूंढ रहे हैं बाहर कहाँ गई कहाँ गई, तो इसे इंग्लिश में बोलें लुकिंग फॉर अ थिंग व्हेन इट इज इन द माउथ. नेक्स्ट, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म. जो ज़्यादा शर्म करता है, शर्म के मारे बेचारा घर से बाहर ही नहीं निकलता है, कपड़े पहन के नहाता है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट. मॉडेस्ट का अर्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा पलाइट होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा जो हेजिटेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, तो मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट. वन हु हेजिटेट्स गेट्स नथिंग, जो हेजिटेशन करता है उसे कुछ नहीं मिलता, पीछे रह जाता है. नेक्स्ट, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, तो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. नेक्स्ट, हर दिन दिवाली नहीं होती, एवरी डे इज नॉट संडे. नेक्स्ट, क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता, गुस्से में आगे तो पता ही नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश से बोलेंगे एंगर कैरीज द माइंड अवे. भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मीन्स भगवान कुछ करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत समय लग सकता है. गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर. मिल जिसे मील बोलते हैं, आटा वगैरह ये बनाया जाता है, तो गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर. ऊंची दुकान फीके पकवान, या खोदा पहाड़ निकली चुहिया, देखा था इसमें बहुत सारा माल मिलेगा लेकिन निकला कुछ नहीं, तो इसे बोले ग्रेट क्राई लिटिल वूल. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सेंटेंसेज रहे, इन्हें आप यूज़ करें, सीखें और चैनल को शेयर करें और लोग हमसे जुड़ें और सीखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.